सुबह बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। गेहूं से भरा एक ट्रक गिट्टी की ढेर में जा घुसा, जिससे उसके केबिन में आग लग गई और हादसे में केबिन में फंसे ड्राइवर जिंदा जलने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर सुबह चिचौली टीआई अजय सोनी ने मौका मुआयना किया और ट्रक ड्राइवर और मालिक की जानकारी पुलिस द्वारा जुटाई जा रही है। घटना गढ़ा और टेकड़ा गांव के बीच की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ट्रक क्रमांक MP09HF1857 गेहूं भरकर कहीं जा रहा था। इस बीच सुबह करीब 5 बजे ट्रक अनियंत्रित होकर गड्ढा और टेकड़ा गांव के बीच सड़क के बगल में लगे गिट्टी के ढेर में ट्रक घुस गया। इसके बाद ट्रक के केबिन में आग लग गई। उधर ट्रक का ड्राइवर केबिन में ही फंस गया। काफी मशक्कत के बावजूद वह बाहर नहीं निकल पाया। जिंदा जलने से उसकी मौत हो गई। पुलिस को निरीक्षण के दौरान मात्र कुछ अवशेष ही नजर आ पाए और सुबह तक ट्रक जलता रहा। इसकी सूचना मिलने पर चिचोली टीआई श्री सोनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दमकल ने आग पर काबू पाया। अभी तक ये पता नहीं चल सका कि ट्रक किसका है और गेहूं लेकर कहां जा रहा था और उसका ड्राइवर कौन था। पुलिस ट्रक के नंबर के आधार पर इन सब की जानकारी जुटा रही है। इस संबंध में चिचोली टीआई अजय सोनी ने बताया, अधिक जानकारी जुटाई जा रही है। रामेश्वर लक्ष्मी, बैतूल, R9 भारत। गिट्टी के ढेर में घुसा ट्रक, लगी आग, जिंदा जल गया ड्राइवर, हुई दर्दनाक मौत। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर नेशनल हाईवे पर बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। गेहूं से भरा एक ट्रक गिट्टी के ढेर में जा घुसा, जिससे उसके केबिन में आग लग गई और हादसे में केबिन में फंसे ड्राइवर जिंदा जलने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर सुबह चिचौली टीआई अजय सोनी ने मौका मुआयना किया और ट्रक ड्राइवर और मालिक की जानकारी पुलिस द्वारा जुटाई जा रही है। घटना गढ़ा और टेकड़ा गांव के बीच की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ट्रक क्रमांक MP09HF1857 गेहूं भरकर कहीं जा रहा था। इस बीच सुबह करीब 5 बजे ट्रक अनियंत्रित होकर गड्ढा और टेकड़ा गांव के बीच सड़क के बगल में लगे गिट्टी के ढेर में ट्रक घुस गया। इसके बाद ट्रक के केबिन में आग लग गई। उधर ट्रक का ड्राइवर केबिन में ही फंस गया। काफी मशक्कत के बावजूद वह बाहर नहीं निकल पाया। जिंदा जलने से उसकी मौत हो गई। पुलिस को निरीक्षण के दौरान मात्र कुछ अवशेष ही नजर आ पाए और सुबह तक ट्रक जलता रहा। इसकी सूचना मिलने पर चिचोली टीआई श्री सोनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दमकल ने आग पर काबू पाया। अभी तक ये पता नहीं चल सका कि ट्रक किसका है और गेहूं लेकर कहां जा रहा था और उसका ड्राइवर कौन था। पुलिस ट्रक के नंबर के आधार पर इन सब की जानकारी जुटा रही है। इस संबंध में चिचोली टीआई अजय सोनी ने बताया, अधिक जानकारी जुटाई जा रही है। जैसे सूचना प्राप्त हुई थी तो वहाँ पे मौके पे तुरंत फायर ब्रिगेड को भिजवाया गया था, 108 को, फिर पुलिस भी मौके पे पहुँची थी। वहाँ पे जाके मौके पे देखा कि गढ़ा से अंदर जो एक टेकरा रोड जाती है, उस रोड में एक ट्रक सड़क से उतर के और एक गिट्टी का ढेर लगा हुआ है वहाँ पे, तो उससे जाके और उसमें टकराया हुआ था और उसके आगे केबिन जल गया था। जब अंदर उसकी देखा अंदर जाके तो वहाँ पे एक व्यक्ति के जले हुए अवशेष भी मिले हैं। तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पे ये ट्रक जो है अंदर सड़क से उतर के 5 बजे करीब ट्रक से अलग अनियंत्रित संतुलन बिगड़ने से उतर गया और वो मिट्टी के ढेर में टकराने से उसमें आग लगी है। आग लगने के बाद उसमें जल गया। वहाँ पे CCTV कैमरा भी बस कंपनी का लगा हुआ है, तो उस कैमरे को भी हम देख रहे हैं। और फिलहाल वहाँ से मृतक के अवशेष को पोस्टमार्टम के लिए भेजाया गया है और उसमें आगे की पंचनामा कार्रवाई के बाद सूचना से उसकी हम जाँच कर रहे हैं। रामेश्वर लक्ष्मी, बैतूल, R9 भारत।